बात एक नए हुक्मनामे के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म का शेल्टर होम्स मंसूबे से मुतल्लिक अहम फैसला। प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने की हिदायत, निगरानी की जिम्मेदारी वाइस चेयरमैन एलडीए को सौंप दी गई। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, मुलाकात की कहानी बताइएगा। नीलम बुखारी, ये वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ही अहकाम जारी किए गए थे कि शहर लाहौर में 5 शेल्टर होम्स की तामीर की जाए, और उन्हीं के हुक्म के तनाजुर में ही इस वक्त शहर में 5 शेल्टर होम्स तामीर किए जा रहे हैं। ताहम आज वजीर आजम इमरान खान के दौरा लाहौर के दौरान वजीर आजम की जानिब से नए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। शेल्टर होम्स के हवाले से वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान और डीसी एलडीए आमना इमरान खान की वजीर आजम से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में वजीर आजम की जानिब से ये हदायत जारी की गई है कि जो शेल्टर होम्स तमीर किए जा रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तमीर किए जाए, और मुखय्यर हजरात को इस शेल्टर होम्स मंसूबे में शामिल किया जाए ताकि वो इसकी तामीर में अपना हिस्सा अदा कर सकें। इस सिलसिले में शेल्टर होम्स को मुकम्मल करने और उसके बाद इसको फाल करने की जो जिम्मेदारी है वो वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान को सौंपी गई है, और उनको ये अहकाम भी जारी किए गए हैं कि इन शेल्टर होम्स के लिए जो मुखय्यर हजरात से रब्ता किया जाए और इसकी तमीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। इसके अलावा ये भी हदायत जारी की गई है कि इन शेल्टर होम्स में जो मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिसमें मेडिकल का खर्चा है, इसके अलावा जो 3 खाना फराहम किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी भी जो इस वक्त से वजीर आजम का शेल्टर होम्स मंसूबे से मुतल्लिक अहम फैसला, जिसके हवाले से आगाह कर रहे थे शेख ज़ैनुल आबिदीन। शुक्रिया आपका।